नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुड़ पुलिस का शराब तस्करों पर चला चाबुक। चेकिंग के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे में भारी मात्रा में अवैध शराब किया बरामद। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 1400 पव्वे अंग्रेजी व देशी शराब, हरियाणा मार्का जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 रुपए व शराब तस्करी में प्रयुक्त इको स्पोर्ट्स कार की बरामद। आज दिनांक 1 जुलाई 2021 को अवैध शराब के बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 900 पौवे अंग्रेजी शराब, 500 पौवे देशी शराब व 1 इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई, जिनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर समाजवादी पार्टी से अपनी एक अलग नई पहचान बनाने वाले युवा नेता केपी चौहान ने एमपी यादव, प्रदेश प्रभारी इशू खान, छात्र नेता अपने सभी साथियों के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया जन्मदिन। केपी सिंह चौहान ने एवं कार्यकर्ताओं ने केक व लड्डू खिलाकर प्रिय नेता की लंबी उम्र की कामना की और कार्यकर्ताओं ने 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर नेतृत्व में सपा सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर समाजवादी युवा नेता केपी सिंह चौहान, रोहित यादव, विवेक पाल, अजय कुमार समेत अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीसीएन न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता की रिपोर्ट। घर से दुकान जा रहे सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। गुसाईगंज थाना क्षेत्र के भरतीपुर निवासी दिनेश सोनी सराफा व्यापारी नकदी व जेवरात के साथ घर से दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से नकदी व कुछ जेवरात सहित हिसाब का लेखा जोखा करने वाली डायरी लेकर फरार हो गए। गुसाईगंज थाना क्षेत्र के भटपुरा पुल के पास लूट की वारदात। सुदनापुरा बाजार में है सराफा व्यापारी की दुकान। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिन दहाड़े लूट की घटना से इलाके में सनसनी। क्या घटना घटी है आपके साथ? सब 22 रहे, छीन सब लेके भाग गए। हमारे झोला जितना रहा सामान, झोले में क्या क्या था? कुछ पैसा रहा, 10-15 हज़ार सोने सामान रहा, कुछ 20-25 ग्राम रहा है। क्या आपने इसकी सूचना दी है? दुकान की चाबी, अलमारी की चाबी और कापी किताब रहा, सब जितना वहाँ हिसाब किताब का। अब चोट भी आई है क्या? चोट हाँ, मजे के लग गया, हाथी में लग गया, पैर में लग गया। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। अच्छा, किधर के भागे हैं? अब सुन्नापुर के वाड़ी गए हैं। थाना गोसाईगंज के पे आज एक दिनेश सोनी, सना फिरदे राम सोनी और भरतीपुर आए थे। करीब युवत इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 10:30 से 11 के बीच में ये जो है भटपुरा नहर से गुजर रहे थे, तब तक पीछे से 3 बाइक सवार आए और इनका बैग छीन लिए। मोटरसाइकिल पे ये पीछे बैठे थे, इनका भतीजा मोटरसाइकिल चला रहा था। बैग में इनके द्वारा जो बताया जा रहा कि चाबी, रजिस्टर और कुछ कैश पैसा था। डिटेल ये तहरीर में लिख के दे रहे हैं, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे भी। बीसीएन न्यूज के लिए अयोध्या से प्रमोद यादव की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं बिहार की खबरों की। यातायात नियमों की अनदेखी कर नो पार्किंग जोन में अपना बाइक पार्क करने वाले लोग हो जाए होशियार, क्योंकि सड़क पर बेतरतीब तरीके से बाइक लगाए जाने के कारण लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए भागलपुर की सीनियर एसपी नितिशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने बाइक को सहूलियत से उठाने के लिए 2 मिनी क्रेन भागलपुर पुलिस को मुहैया कराए है, जिसको भागलपुर पुलिस कप्तान के द्वारा यातायात पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। अब यातायात पुलिस लापरवाह और यातायात नियम की अनदेखी कर नो पार्किंग जोन में बाइक खड़ी करने वाले लोगों के बाइक को मिनटों में क्रेन के सहारे यातायात थाना और पुलिस केंद्र में पहुंचा देगी, जिसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने और इसके साथ जो जुर्माने की राशि होगी उसको अदा करने के बाद ही बाइक मालिक को बाइक सौंपी जाएगी। सीनियर एसपी की पहल पर लगाए गए 2 मिनी क्रेन से अब शहर को जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के काब गांव से मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार।
मामले में मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि काप गांव में देसी शराब बनाने और बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर पूरे दलबल के साथ छापेमारी की कार्रवाई कर काप गांव में एक महिला के घर से 5 लीटर देसी शराब बरामद की गई। मौके से एक महिला को हिरासत में लिया गया। आवश्यक पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। BCN न्यूज के लिए पूर्णिया से अजित कुमार की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज।